खबर हुशियारपुर के नजदीक पेंदे पिंड नंदन तो आ रही है जिथे कि 6 ते 7 मार्च की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे गड्डिया च आए कुछ पिंड च बैठे भेडा चराउण वाले व्यक्तियों के नाल कुटमार करके उन्हां दियां 45 के करीब भेडा चोरी करके लै गए जिस दे नाल चरवाहियां दा 5.5 लाख रुपए के करीब का नुकसान होया है। मीडिया नूं जानकारी दिंदिया पीड़ित चरवाहियां ने दस्या है कि वह 6 मार्च की देर रात करीब 1:30 बजे पिंड नंदन च ही अपनियां भेडां कोल सुते पए सन जिस दे दौरान 3-4 गड्डियां च आए कुछ वड्डी गिणती च व्यक्तियां ने आउंदे सार ही उन्हां दी कुटमार करनी शुरू कर दित्ती अते उन्हां दियां 45 भेडां चोरी करके लै गए। उन्हां ने दस्या है कि उन्हां दा पिंड डेरा बसी तो है और इस तो पहलां भी पंजाब दे विच कई बार भेडां चरवाउण वालियां दे नाल अजिहियां घटनां वापरियां ने। उन्हां ने दस्या है कि इह चोरी दे नाल उन्हां दा करीब 5.5 लाख रुपए का नुकसान होया है। उन्होंने दस्या कि पुलिस वालों भी मौका देखा गया परंतु अजे तक की कार्रवाई हुई है ये पुलिस वाले जानते हैं की गलबात हुई है आओ देखते हैं पूरी खबर। क्या नाम है जी आपका? गुरजंत सिंह जी। गुरजंत सिंह जी इस वक्त कौन से गांव में हो आप? नंदर गांव में है जी सियालपुर के पास जी। क्या वारदात हुई आपके साथ रात समय जी? रात को 15-20 बंदे आए जी हमारे पास 1:30-2 बजे और मार ले गए जी साडा भेडा चुक गए जी। कितनी कितने कितने कितनी संख्या थी जो ले गए साथ में? वो 45 नग ले गए। ठीक है जी। कब की बात है जी? ये परसों रात की बात है जी। हुआ कैसे था ये सब कुछ? आप कहाँ थे उस जब ये घटना हुई जी? हम रोड के पास ही बैठे थे जी गांव के पास तो कुछ बंदे आए रात को और उन्होंने हमारे पास मिला बोल दिया हथियारबंद लोग थे जी। वो कितने लोग थे टोटल? 18-20 के करीब थे जी वो। गाड़ियों में आए थे जी? हाँ जी महिंद्रा पिकअप 3 गाड़ी थी जी उनकी। ठीक है। अब कितना नुकसान है कुल आपका? ये हो गया जी 5.5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितने ये लेकर गए हैं भेड़े? वो 45 रात लेके गए हैं। पहले भी कभी ऐसी वारदात हुई या फर्स्ट टाइम? ये 6-7 महीने से चल रहा है जी। पूरी सर्दी में ना वारदातें हो रही है जी, जैसे लुधियाने में भी हो रही है, राहू में भी हो रही है, पंजाब में जहाँ पे। क्या कारण मानते हो इसका? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लगता है आपको? ये जबकि सरकार आई है जी ये तभी कैसे हो रहा है? पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें, हमारे दादा बुजुर्ग जो भी है पहले यही काम करते थे जी। तो किस काम आती है जो ये भेड़िया है? किस काम आती है जो चुरा कर भी लेकर गए हैं? वो मीट के लिए लेके गए हैं जी। इनको मारपीट भी की आपके साथ? हमारे बंदे के साथ मारपीट की है, चोट लगी हुई है जी इसका। कितने कुल कितने बंदे आए थे वो गाड़ियों में? वो 18-20 बंदे थे जी। कितनी गाड़ियां थी? 3 गाड़ियां थी जी महिंद्रा पिकअप। अब पंजाब में आने को डर लगता है? क्या माहौल है पंजाब का? पंजाब का बहुत माहौल खराब है जी। क्या मांग करते हैं वो? हम तो ये मांग करते हैं कि जी जैसे पहला था पंजाब वैसा चाहिए। पीछे से कहां से हो आप? पंजाब से ही है जी, डेरा बसी मोहाली जिला है जी। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी क्या हुआ था रात को? हम सोए थे जी अपने माल के पास और पीछे से हमारे पास 18-20 बंदे आए, उन्होंने हमारे पास हमला किया। 1-2 का हमने मतलब हत्थापाई भी करी है, उन्होंने मेरा डंडा मारा है, फिर वो 2 बंदे मेरे को चिमट गए, मैं वहां से छुटके भाग गया उनके पास से। हमारा माल छेड़ के दूर उन्होंने गाड़ी में लादा और 2-3 गाड़ी लेके आए थे वो, गाड़ी उन्होंने साइड में खड़ी कर रखी थी और मौके पर पुलिस भी आई थी वहां पर। तो पुलिस ने भी यही मौका देखा है, वो भी ये बोल के चले गए कि सुबह वहाँ थाने में आना, कंप्लेंट करवाना अपनी, फिर तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। कल वहाँ सारा दिन हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम यही मांग करते हैं कि हमारा इंसाफ मिले हमारे को, जो हमारा माल नुकसान हुआ वो हमारी भरपाई होनी चाहिए जी, और आगे वास्ते हमारा सुरक्षित होना चाहिए जैसे हम पहले आते थे, पंजाब को ठीक होना चाहिए, यही हमारी मांग है जी। ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।